तो वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। खुलुमबाई लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिओ बरायबाय। बे दिनै आं जे भिडिओ बानायदों बे स्ट्रबेरीनि सायाव। तो नोंथांमोना जुदि स्ट्रबेरी खेतियाव इंटरेस्टेड बा नायलांबाय थादों। स्ट्रॉबेरी की खेती करने से पहले आपको उसका प्लांट किस क्वालिटी का है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए आप टिश्यू कल्चर के प्लांट्स लगाने के लिए, वैसे आप रनर्स के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। रनर्स के प्लांट्स थोड़े सस्ते होते हैं, टिश्यू कल्चर के महंगे होते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि टिश्यू कल्चर के प्लांट्स जो है लैब में तैयार होते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग होती है, डिजीज़ फ्री कंडीशन में उनको तैयार किया जाता है, इसलिए वो थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में, टेक्निकल वे में करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अच्छे क्वालिटी के टिश्यू कल्चर प्लांट्स ही लगाइएगा। तो हमने स्वीट चार्ली और विंटर डॉन यहाँ पे लगाया है, और किस विधि से लगाया है आज मैं उसी के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखते जाइए ज़मीन पे कैसे लगाते हैं विदाउट प्लास्टिक मल्चिंग। तो आप अगर ऐसा एक बेड बना लें तो उस पर भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। हमने इसमें क्या डाला है देखिए, ये जो हमने डाली है ये एग शेल है, ये कैल्शियम के लिए डाली है हमने एग शेल। तो इसको और भी आप मिक्सर ग्राइंडर पे चूरन बना के भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे देने से भी काम कर जाता है। ये थोड़ा मिट्टी को पोरस भी बनाता है और कैल्शियम भी थोड़ा इसमें से मिल जाता है। तो ये हमने पहले भी दिया था पॉट्स में, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था स्ट्रॉबेरी में। और अभी हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे बेड पर, और यहाँ पे भी हमने ये डाल दिया है। और जहाँ जहाँ डाला है वहीं पे पौधे लगेंगे, एक एक फीट की दूरी पे डाला है, पौधे से पौधे की दूरी एक फीट रखी है। और अभी हम इसके ऊपर स्ट्रॉ से मल्चिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने प्लास्टिक से नहीं की। तो हम इसमें जो हमारी पराल होती है धान की वो डालेंगे, और उसके बाद इसमें मल्चिंग करने के बाद ही स्ट्रॉबेरी के पौधे यहाँ पर लगाएंगे। रनर से तैयार वाले नहीं लगा रहे। तो आशा करती हूँ आपने भी स्ट्रॉबेरीज लगा दिए होंगे, अगर नहीं लगाए तो ज़रूर लगाइए। हमारे आस पड़ोस के लोग जो हैं, कोकराझार के आस पड़ोस के लोग, वो आके नर्सरी से भी पौधे लेकर जाते हैं। तो देखिए हम ये धान की पराल लेकर आ चुके हैं, अभी इससे इसकी मल्चिंग करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं दोस्तों, एक तो मिट्टी सूखती नहीं है जल्दी से, क्योंकि विंटर सीजन में मिट्टी काफ़ी जल्दी सूख जाती है, और रूट्स में डायरेक्ट सनलाइट गिरने से पौधा बहुत नरम होता है स्ट्रॉबेरी का इनिशियली, तो उसके लिए मल्चिंग की जाती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब फल आने लग जाते हैं तो ये जो फल है वो मिट्टी में नहीं लगते, जिससे फल सड़ते नहीं हैं। अगर मिट्टी में डायरेक्ट टच हो जाएंगे उसके स्ट्रॉबेरी के फल तो फिर वो सड़ने लग जाते हैं, तो इसीलिए उसको स्ट्रॉबेरी कहा गया है। ये है स्ट्रॉ, इसे स्ट्रॉ कहते हैं इंग्लिश में। तो जो धान की पराल है वही यूज़ होती थी नेचुरली, तो हम भी वही यूज़ कर रहे हैं। नंबर थ्री, आपको जो वीड्स है वो बार बार आपको निकालने नहीं पड़ेंगे इसमें। जब आप पराल की एक मोटी परत दे देते हैं तो इसमें जो घास फूस है वो जल्दी नहीं उगता। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, मल्चिंग करने से घास भी जल्दी नहीं उगती क्योंकि सन की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो नीचे ग्रो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं ऐसे ठंडे सॉइल में। नहीं लगो पर स्ट्रॉबेरी गाइना था कि आपको सबका सुन दो मन। अब जो मल्चिंग पेपर हो नाया बा दुखु जानाङा, बिदि माइ जिगाबा जेरावबो दङ दा गामि गामि माइ हाखांनानै माइ जिगाब दंसोगारो, दा माइ जिगाबखौबो नोंथांमोना बिदि मालचिंनि थाखाय यूज खालामनो हायो। मालचिङा मानि थाखाय खालामोबा होनोबा बेना मेन मोनब्रै रिजन दङ, बे हाखौबो गुसु दोनो, दै होबाय थानाङा, आरो हाग्रायाबो थाब रज'आ, बे मोननै कारन जाबाय। हाग्रायाबो बेखौ होबोला थाब थाब रज'आ, साफा खालामबाय थानाङा, माइसा दांबाय थानाङा। आरो थार्ड रिजना जाहैबाय जेब्ला फिथाइ थायगोन होमबाना फिथाइया हायाव नांनाय नङा, बे जिगाबनि सायाव नांनानै थायोबा बे सेवा, नाथाय बे हायाव नाङोबा दैद्राय नाय गिसि जायो जायो सेवलाङो फिथाइया,
बिनिखायनो बेजिगाबखौ होनाय जायो आरो मोनसे रिजना मा जाहैबाय बेखौ होबोला बिनि सिंनि जे एम्फौफोर दङ बेक्टेरिया आरो फंगास आरो आर्थवर्म्स बेफोरबो सानदुं डाइरेक्ट नाङिनि थाखायनो गावसोरनि खामानिखौ मोजां मावनो हायो हाया गुसु जानानै थाबोला बिसोरनि पपुलेसना बारायो आरो मोजां बेक्टेरियाफोरासो निउट्रिसनखौ जोंनि बिफां लाइफांसिम लांनो हायो ओमफ्राय बे गुफुर गुफुरा दाउदै बिगुर बिदि ओंखारनायफोरखौबो जों गारा पियास बिगुर दाउदै बिगुराव केलसियाम थायो बिनि थाखायनो जों बे दाउदै बिगुरखौबो बिदि गुरा खालामनानै होनाय जादों जों बिदि हाइ क्वालिटिनि प्लान्ट्सखौ गायनांगौ बेफोर प्लान्ट्सआ बिराद मोजां टिसु कालचारनि गोजाननिफ्राय फैनाय लेबाव बानायनाय जायो बेखौ एकदम डिजिज फ्रि कन्डिसनाव लेबाव बानायनाय जायो काफी बेहतरीन क्वालिटी के हैं और आपको पता ही होगा टिश्यू कल्चर के प्लांट्स तो डिजीज़ फ्री होते हैं इसलिए उनको प्राथमिकता दी जाती है अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो ज़रूर टिश्यू कल्चर के प्लांट से लगाइएगा दोस्तों देखिए इस तरह पराल से ढकने से ये जल्दी से सूखता नहीं है मल्चिंग हुआ छिपांगा सन नहीं से रानने बिदी जा लाँगा दोस्तों ऐसे प्लांट्स जो पेपर कप्स में होते हैं ना उनमें आप देखिए रूट्स कितने अच्छे डेवलप हो गए हैं ऐसे वाइट रूट्स होने चाहिए आप अगर ऐसे हेल्दी रूट्स देखें तो जल्दी आपका प्लांट बड़ा हो जाता है टिश्यू कल्चर के प्लांट्स भले ही आपको रनर्स से छोटे दिखते हों लेकिन उनकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है उनमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा आती है टिश्यू कल्चर निफिफा को गायनाइनी उद्देश्य न उद्देश्य जाहैबाय बिनी रूट्सा थाब डेवलप जायो आरो फिथाइखौबो थाब बुरजा थायो ओमफ्राय रनर्सफोरना रोदाखौ गिदिर नुबाबो बेना वाइट रुट्स खम थायो गोजाम बिफांनिसो जायो नालाय ओमफ्राय फिथाया एसे खम थायो बेना गोदानफोरना बांसिन थायो दा बेखौ बिदिनो गायनो हायो बेखौ गायनाय टाइमाव एसेल' साबधानै दोननांगौ जे माने बे क्राउनखौ माने गोदान बिलाइखौ खोबनाङा ये जो क्राउन एरिया है इसको आप मिट्टी से मत ढकिएगा क्योंकि यहीं से नए पत्ते निकलते हैं इस जगह से तो ये एरिया को ढकना नहीं है ज़्यादा नहीं दबाना है तो इतना ही आपको ज़मीन के नीचे रखना है आप पूछेंगे इसमें हमने खाद क्या क्या दिया इस बेड को बनाते समय ही तैयार करते समय हमने गोबर की खाद दी है गोबर की खाद हमारी अवेलेबल है क्योंकि गाय वहाँ पे रखी जाती है तो गोबर की खाद दी है इसमें सड़ी हुई और आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है इसके अलावा अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करना चाहते हैं तो लगाते समय तो बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा इसके अलावा हमने इसमें कैल्शियम के लिए एक्शेल्स दिए हैं एक्शेल्स थोड़ा सा ज़मीन को भी मिट्टी को भी पोरस बनाते हैं वो रूट डेवलपमेंट होने के लिए और इसके बाद फल जो आते हैं उनमें वो फल अच्छे आते हैं शाइन उनमें अच्छी आती है तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा नया अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी स्ट्रॉबेरी की बागवानी कर रहा है या बागवानी में इंटरेस्टेड है उनसे आप ये हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार